वो समझना बहुत जरूरी है। और बच्चे ना, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। आप अगर उन्हें बस दिशा दिखाओ कि ये करो, तो बहुत जल्दी वो ट्राई करते हैं और बहुत जल्दी सीख जाते हैं। वी कैन नॉट एक्सेप्ट फेलियर्स। बच्चे ऐसे नहीं यार, दैट दैट इज द एग्जैक्ट माइंडसेट यू नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। यार एक एंटरप्रेन्योर की यही पहचान है कि वो गिर के फिर खड़ा होता है। यू आर डाउन बट नॉट आउट माई फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पे मौजूद है शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 से डाउन बट नॉट आउट पिक्चर गणेश बालकृष्णन। गणेश, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। थैंक यू तुलिका, लुकिंग फॉरवर्ड टू द चैट। मुझे ज्यादा हिंदी नहीं आती, मैं कोशिश करूंगा। ठीक ओके ओके। तो गणेश, टेल मी सबसे पहले, जो कि कमेंट्स में आपने भी बहुत जगह देखा होगा, हमने भी बहुत जगह देखा है, एंड सीरियसली प्लीज, अगर कोई कॉपीराइट ना आए यूट्यूब पे तो नेशन वांट्स टू नो कि फ्लैट हेड्स के जूते कहाँ से खरीदे। हाँ, अभी सारे सोल्ड आउट चल रहे हैं। अभी तो यार कोई आपका दोस्त यूएस से आ रहा हो तो उनसे मंगवा लेना। राइट, तो जूते हमारे यूएस में है और दुबई में है, मिडल ईस्ट में, वहां पे ऑनलाइन मिल रहे हैं। बट अभी कोशिश जारी है, हम अपने सप्लायर से बात कर रहे हैं। और पहले 900 शूज के हमने प्री ऑर्डर किए थे, वो 60 घंटे में बिक गए सारे। जो क्राउड फंडिंग की थी हमने, कि आप हमें प्री ऑर्डर दीजिए और उससे हम अपने सप्लायर्स को एडवांस दे के जूते बनवाएंगे, तो ये आइडिया था। और वो 60 घंटे के अंदर 900 के 900 बिक गए। अभी फिर से हम सप्लायर से बात कर रहे हैं कि आगे आगे और कितने शूज बन सकते हैं और कितनी जल्दी बन सकते हैं, तो वो बात चल रही है। जैसे ही हमारे कॉन्वर्सेशंस खत्म होंगे, हम फिर से एक प्री ऑर्डर लॉन्च करेंगे जो बहुत जल्द आएगा, होपफुली, देखते हैं। फ्लैटहेड्स को फिर से जिंदा कराना बहुत बहुत, क्या कहते हैं, लंबी जर्नी वेंटिलेटर है। पे चल रहा है ये, अभी वापस आएगा। एग्जैक्टली, सो धीरे धीरे उसको रिवाइव करना है, तो कोशिश जारी है। हाँ, ओके, तो फिर ये एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर आपने बोला कि मेरे अंदर ये कीड़ा तो था कि मैं कुछ करूं, तो ये शुरुआत कैसे हुई, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ कि मुझे कुछ करना है? कुछ एस्पिरेशन था, किसी को देखा, कहीं से इंस्पिरेशन मिली? होता है ना, किसी को देख के पढ़ के लोगों को ऐसा फील होता है यार मुझे इसके जैसा बनना है, तो ऐसा कुछ था, या फिर बस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज हुई? हाँ, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने मार्क जकरबर्ग को देखा और मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट 10 साल नौकरी कर ली, बीच में एमबीए भी कर लिया था, उसके बाद 5 साल नौकरी की थी एमबीए के बाद। और ट्रिगर पॉइंट तब आया जब आखिरी 2 साल में हनीवेल में था, तब मेरा बाद में अगले 10 साल के जर्नी में जो मेरे साथ को-फाउंडर रहे उत्कर्ष उत्कर्ष, वो मुझे वहां पे हनीवेल में मिले। राइट, मैं उन्हें कॉलेज से जानता हूँ, बट 15 साल बाद फिर से मुलाकात हुई। और उनके दिमाग में भी यही कीड़ा था, राइट, कि चलो जाके कुछ करते हैं। तो हम चाय पे चर्चा जब चलती थी तो तभी बात करते रहते थे कि यार कुछ करते हैं। राइट, बहुत सारे आइडियाज आते थे और बहुत सारी चीजें बातें होती थी हमारी। आखिर में हमने सोच लिया कि यार बहुत हो गया, राइट, काम कॉर्पोरेट में काम बहुत कर लिया, चलो साथ में कुछ करते हैं। तो वो हिम्मत बाहर निकल के कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करने की हिम्मत तभी आई जब मुझे एक ढंग का पार्टनर मिला। और हम दोनों में खासियत यह है कि वो डिजाइनर है, राइट, तो उन्हें कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग और प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप है उनका, राइट। तो वो कंज्यूमर माइंडसेट को समझते हैं बहुत करीबी से। और मैं मार्केट वाला आदमी हूँ, मैं मतलब मार्केट कितना बड़ा है, रेवेन्यू कितना आना चाहिए, राइट, मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, बिजनेस बिजनेस का पीएनएल कैसे होता है, ये सब मैं करता हूँ, राइट। और वो एकदम कस्टमर एम्पथी पे चलते हैं, राइट। सो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स हैं, राइट। हम अलग अलग चीजों पे फोकस करते हैं, लेकिन दोनों दोनों चीजें बहुत जरूरी है कंपनी चलाने के लिए। तो 2018 में हमने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया था और 10 साल हम साथ में थे। तो आपने बोला कि आपकी मार्केटिंग स्किल्स जो है वो आपकी यूएसपी या आपकी नीश है, तो आपकी मार्केटिंग स्किल्स के ऊपर ही क्वेश्चन आए कि यार बॉस इसमें गलती है, इसमें कुछ गलत हो रहा है, यही कुछ लोचा है, तो इस पे आपके क्या ख्याल है? यार
क्वेश्चन तो आया था, अमन ने पूछा था ये क्वेश्चन फोर पीस का, बट चीज ये है कि यार अमन ने कुछ किया है जो मैंने नहीं किया है, राइट? उसने यू नो करोड़ों की कंपनी बनाई है और एंड विद इन 5 years एग्जैक्टली राइट, एंड उसने मार्केटिंग में मतलब बोट इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स इन द कंट्री, राइट? सो मैं भी मार्केटर हूँ, बट मे बी आई डोंट नो एज मच एज हिम ऑन हाउ टू डू मार्केटिंग राइट, राइट? सो दैट वॉज द थॉट प्रोसेस. गलतियां तो हुई है यार, और मतलब आप अगर यू नो रिवाइंड करके फ्लैशबैक में आप अगर एनालाइज करोगे तो हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20, राइट? ऑलवेज तुम्हें दिखेगा कि तुमने कहाँ पे गलतियां की, राइट? तो वो तो होती रहती है, राइट? गलतियां तो सारे एंटरप्रेन्योर्स करते हैं. हमने ये गलती की कि जो एनवायरमेंट था कि लोग पैंडेमिक के टाइम पे जूते पहन नहीं रहे, राइट? हमने फिर भी जूते बेचने की कोशिश की. यार आदमी खरीदेगा नहीं, उसको जूते नहीं चाहिए तो नहीं खरीदेगा. अरे तुम चाहे जितना भी पैसे पाओ तुम मार्केटिंग में, वो खरीदेगा नहीं, राइट? सो दैट इज वन थिंग दैट आई मेड अ मिस्टेक, राइट? एंड मतलब इफ आई वुड गो बैक आई वुड डू थिंग्स वेरी डिफरेंटली. मैं शायद बहुत ही अलग चीज करता. बट वो मोमेंट पे मुझे हमें लगा था कि ये यही सही रास्ता है, और यू नो जिंदा रहने के लिए ये करना पड़ेगा, एटलीस्ट थोड़े तो सेल्स आने चाहिए, राइट? सो सर्वाइवल माइंडसेट था तब. अगर आदमी गलती नहीं करेगा तो यार वो भगवान है, राइट? वो तो हो ही नहीं सकता. सारे लोग तो अर्थ इज ह्यूमन, राइट? यू आर सपोज टू मेक मिस्टेक्स, दैट्स व्हाट मेक्स यू ह्यूमन. जैसे ये ओवरनाइट फेम मिला, ओवरनाइट फ्लैट हिट्स एक लोगों के कनेक्शन में आ गया, तो डू यू फील कि ये एक थोड़े टाइम का इमोशनल सपोर्ट है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि जस्ट टू सपोर्ट वी हैव बॉट इट, जस्ट टू सपोर्ट वी हैव बॉट द शूज, वेबसाइट से हमने खरीदा है, कमेंट्स में ऐसा लोग लिख रहे हैं. तो डू यू थिंक कि ये थोड़े टाइम का एक इमोशनल सपोर्ट है, या आपको सीरियसली एक मौका मिलेगा इससे टू रिवाइव? मुझे लगता है कि यस, देयर इज अ लॉट ऑफ सिंपैथी एंड सपोर्ट दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ. वो अपसर्ज है जो धीरे धीरे कम होगा, बट एज अ मार्केटर जो मेरा यू नो मेरा सपना था कि पूरे इंडिया को पता चले कि ये क्या ब्रांड है, राइट? अब सारे लोग हिंदुस्तान में सारे लोग जानते हैं कि एक ब्रांड है जिसका नाम है फ्लैट हिट्स, जो बहुत ही इनोवेटिव शूज बनाता है, राइट? दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि लोगों को पहले पता होना चाहिए. हम जब मार्केटिंग करते थे यार, हम मतलब हमारे बजट इतने कम थे कि बहुत छोटी सी एक ग्रुप या पॉपुलेशन थी जिनको हमारे बारे में इवन पता था, राइट? क्योंकि हमारी दुकान भी नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन ही करते थे हम. तो द अवेयरनेस वाज वेरी, गौरव तनेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना बैठे थे और आपका बजट बहुत कम था, सीरियसली? नहीं यार, वो हमारे इन्वेस्टर है, गौरव कपूर हमारा इन्वेस्टर है. हमने उन्हें पैसा नहीं दिया, उन्होंने हमें पैसा दिया. ओके, सो he is an investor and he is a brand ambassador, kyunki wo genuinely believe karte hain ki yaar ye aise joote banne chahiye, right? So he is a believer in our brand. Main ye keh raha hu ki wo brand awareness banana bahut zaruri tha, right? And that is the thing that most brands will struggle with, most D2C brands will struggle with, right? Like, logo ke paas apni awaaz kaise pahunchaye aur pata unko pata kaise chalega ki main aisa ek brand hu aur mujhe try karna chahiye. Wo अभी ऑलरेडी हो चुका है, राइट? बिकॉज ऑफ दिस गोइंग वायरल, इंडिया में सबको पता है. अब इसके बाद क्या हम उनके एक्सपेक्टेशन को मैच कर सकते हैं? क्या हम ऐसे जूते बना सकते हैं जो पूरा इंडिया पहन सके, राइट? क्या हम एक ट्रूली इंडियन ब्रांड बन सकते हैं जो इंटरनेशनली मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के नाम से जाना जाएगा, राइट? सो दैट इज द चैलेंज दैट वी हैव राइट नाउ, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू यू नो बिल्ड एज अ विजन for flatheads. But brand awareness definitely bana hai, aur wo ek wave nahi hai, wo ek baar dimag mein aa gaya na, wo itni jaldi jata nahi hai, right? To mera next question ye hai ki ab to sab kuch mil chuka hai aapko, marketing mil chuki hai, ye mil chuka hai, to now how do you see flatheads after 5 years? I mean, kuch plannings abhi ho gayi hai ya fir it's still on, ki matlab kaise isko ek wo banana hai, kya aapki planning hai towards marketing, kya kisi shark ne aapse baat ki hai, क्या अब वो इंटरेस्टेड है आपको फंड करने के लिए, या फिर अब आप खुद की फंडिंग से ही फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं, या अब आप इन्वेस्टमेंट लेके इसको एक फिर से ब्रांड बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो किस तरीके का अप्रोच अब आपका रहेगा इसको एक यू नो इंटरनेशनल और ग्लोबल ब्रांड बनाने के? अभी तो यार बिजनेस प्लान हमने बना लिया है फिर से, कि इसको पुरानी गलतियां ना करते हुए
एक अच्छा ब्रांड कैसे बनाना चाहिए डंके इकोनॉमिक्स के साथ। और अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि आप अगर मतलब अभी ये नए जर्नी पे आप अगर फंड करना चाहते हो तो आ जाइए हमारे साथ। तो वो डिस्कशन चल रही है। कुछ शार्क्स भी इंटरेस्टेड है बट देखेंगे कितने लोग आते हैं हमारे साथ, बट डेफिनेटली इंटरेस्ट तो है राइट। और हम भी ऐसे भी चीजें देख रही हैं कि देख रहे हैं कि कोई यू नो कोई ब्रांड पोर्टफोलियो हो या कोई बड़ा ब्रांड हो जो फ्लैटर्स को लेके उनके अम्ब्रेला के अंडर यू नो बिल्ड कर सके राइट। सो सम काइंड ऑफ पोटेंशियली अ बायआउट काइंड ऑफ एन ऑफर इज आल्सो समथिंग दैट वी आर एक्सप्लोरिंग, जहां पे एटलीस्ट फ्लैटर्स को वो रिसोर्सेज मिल जाए जो हमारे पास नहीं है। एज अ स्टार्टअप वी आर अ वेरी स्मॉल यू नो टीम, वी आर ऑलवेज कंस्ट्रेंड ऑन रिसोर्सेज। तो वो रिसोर्सेज अगर मिल सकते हैं और इसको फ्लैटर्स को यू नो बड़ी बॉडी कॉल इट इन अ मच बिगर वे अगर इसको आगे ले जा सकते हैं तो वो ऑप्शन भी मैं एक्सप्लोर कर। तो इज इट अबाउट पैशन या फिर इज इट अबाउट द राइट डिसीजन या फिर क्या बोलते हैं उसको टेक्निकली करेक्ट होना शायद कि लाइक एवरी पॉइंट यू मेक अ राइट डिसीजन और लाइक दैट और इज इट समथिंग दैट गोज विथ पैशन. पैशन के बिना एंटरप्रेन्योर है एंटरप्रेन्योरशिप करना इम्पॉसिबल है राइट। आदमी पागल है क्या यार, नौकरी छोड़ के यू नो आप ऐसे ऐसी चीज में जाओगे जहां पे आपको पैसे लेने नहीं देने पड़ते हैं सबको राइट। आप सोचते हो कि आप अरे यार बॉस के लिए काम करके मैं बहुत थक गया हूँ, आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस इसलिए मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूंगा, रॉन्ग। एंटरप्रेन्योरशिप में बॉस पूरी दुनिया आपकी बॉस होती है, आप सबके नौकर हो राइट। तो वो करने के लिए आपको बिना पैशन के तो इम्पॉसिबल है राइट। यू हैव टू बी सुपर पैशनेट, यू हैव टू बी सुपर एंथुजियास्टिक, यू हैव टू बी सुपर पॉजिटिव इन ऑर्डर टू बी टू स्टार्टअप। तो ये चीज मतलब दैट इज नॉट निगोशिएबल। पैशन के बाद आता है सब कुछ। आप रैशनल डिसीजंस लोगे, कितना यू नो कितनी कम गलतियां करोगे, कितना कितना आप मार्केट को एनालाइज करोगे और डेटा निकालोगे, वो सब सेकेंडरी है। पहले तो पैशन लेके आओ भाई ओके, इफ यू हैव टू टीच योर डॉटर अबाउट बिजनेस लाइक आई गेस शी इज हाउ मच इयर्स ओल्ड बिलो 5 ओके 10 इयर्स ओल्ड लाइफ. तो इफ यू हैव टू टीच बिजनेस टू समवन लाइक 7 8 इयर्स ओल्ड जो एक बच्चा है स्टिल गोइंग इन टू टीन्स टीनेजर्स तो सुनते नहीं किसी की तो उनको हटा दो. तो हाउ वुड यू टीच बिजनेस टू देम. सबसे पहले तो शार्क टैंक दिखाओ राइट कितने पैसे दिए शार्क टैंक वालों ने ये बोलने के लिए. यार काश मैं जितनी बार शार्क टैंक का नाम लेता हूं उतना पैसा मिल सके, मैं तो ऑलरेडी करोड़पति बन गया होता बट सबसे पहले यार इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि आपको पता चलता है कि लोग क्या क्या कर सकते हैं बिजनेस में राइट। हर एपिसोड में आप देखोगे 3 लोग आते हैं जो कंप्लीटली डिफरेंट आइडिया पे काम कर रहे हैं और अपना बिजनेस बना रहे हैं राइट। और बिजनेस में आप मतलब जस्ट द पॉसिबिलिटीज, हमारे टाइम पे यार इंजीनियर बन सकता था आदमी, डॉक्टर बन सकता था, लॉयर बन सकता था, बस अकाउंटेंट सीए बन सकता था, इससे ज्यादा कुछ मतलब हमको पता भी नहीं था कि क्या क्या है वहां पर राइट। बट अभी देखो आप मतलब जस्ट द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर यू गेट टू द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू इज इनक्रेडिबल राइट। तो चाहे मैं कितना भी बताऊं आई एम लिमिटेड बाय माई नॉलेज, बट वहां जाके आप शार्क टैंक देखो आपको समझ में आएगा कि लोग क्या क्या कर सकते हैं राइट अपना बिजनेस बनाने के लिए। ये एक चीज है नंबर 1। नंबर 2 एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट थॉट एवर। मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप करने से ही आपको पता चलेगा राइट कि होता क्या है ये। तो मैं अपने बेटी को यही बोलता हूँ यार कुछ नहीं तो अपना बाहर जाके एक नींबू पानी बेचो, गरम मौसम में आप बाहर गर्मी में बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, जाके उनको नींबू पानी पिलाओ राइट। देखते हैं वो कितना देते हैं पैसे तुमको राइट। तो तुम समझो तो सही कि बिजनेस कैसे करते हैं राइट। आप कुछ वैल्यूएबल कुछ बना के आप बिजनेस कुछ चला सकते हो कि नहीं, चाहे वो छोटा सा बिजनेस भी हो, 10 रुपए भी कमा लो बहुत यार, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कितना मेहनत लगता है एक वो 10 रुपए कमाने के लिए राइट। सो वो समझना बहुत जरूरी है। और बच्चे ना बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, आप अगर उन्हें बस दिशा दिखाओ कि ये करो तो बहुत जल्दी वो ट्राई करते हैं और बहुत जल्दी सीख जाते हैं। हम जो है एज यू गेट ओल्डर आर ईगो बिकम्स मच बिगर राइट, वी कैनॉट एक्सेप्ट फेलियर्स। बच्चे ऐसे नहीं यार,
अगर यू नो कुछ हार गए, यू नो रोज एक मैच जाके हार के आते लोग, राइट, चोट लग जाएगी, कभी क्लास में यू नो मार्क्स नहीं आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बाहर यू नो बैग को फेंक दो, जाके खेल के आओ और फिर बाद में फिर से आके पढ़ाई करो, राइट? दैट दैट इज द एग्जैक्ट माइंडसेट यू नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. अगर यू नो गलती होती है और कुछ चलता नहीं है तो बस ठीक है, सो जाओ, अगले सुबह उठो, कुछ और करो, राइट? दैट माइंडसेट इज समथिंग दैट किड्स हैव नेचुरली, राइट? अगर उसको आप डायरेक्शन दे सकते हो और उनको कुछ ऐसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी वो पेंटिंग करती है, राइट, मेरी बेटी, तो उसको बोला कि यार मैं काम करता हूँ, हर साल आपके 12 पेंटिंग्स को लेके मैं कैलेंडर बनाऊंगा, राइट? ये कैलेंडर हमने पहले अपने फैमिली को दिया, राइट? तो मेरे माँ बाप को, मेरी बहन को, राइट, मेरी बीवी के भाई को, सबको दिया हमने, सबको बहुत अच्छा लगा. अगले साल उसने मेरी बेटी ने बोला, अरे यार इस बार मैं पिक करती हूँ 12 पेंटिंग, और इस बार हम सिर्फ अपने फैमिली को ही नहीं लेकिन अपने दोस्तों को भी देंगे, राइट? तो वो गई अपने दोस्तों के घर और उनके माँ पिताजी को बताया कि यार मैंने कैलेंडर बनाया, ये आप खरीदोगे क्या? उन्होंने हाँ, उन्होंने कहा हाँ खरीद लेते हैं. तो बस उसने जाके 10 कैलेंडर बेच दिया अगले साल. इस बार उसने कहा कि अरे मैंने शार्क टैंक देख लिया है, अब मैं तो सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स नहीं, मैं तो बाहर जाके बेचूंगी. तो अभी कल हम लोग गए थे सोल संते, जो यहाँ का फ्ली मार्केट है, राइट, वहां जाके वो यू नो 40-50 कैलेंडर बेच के आई है कल एक दिन में, राइट? तो वाओ, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? यू यू टीच देम हाउ टू डू इट एंड दे विल डू इट, दैट्स ऑल. बस उनको वो डायरेक्शन दिखाना है, वो खुद ही सीख जाएंगे और अपने आप बनेंगे एंटरप्रेन्योर्स. हाउ एज अ पर्सन आर यू, मतलब यू लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आपको गाने पसंद है बॉलीवुड के, या फिर यू आर नॉट इनटू दोस थिंग्स, आपको सिर्फ टेक्निकल एंड इंटेलेक्चुअल बातें करना पसंद है? अरे नहीं यार, मैं बहुत बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन हूँ. इनफैक्ट किशोर कुमार इज माय फेवरेट सिंगर, मैं बाथरूम सिंगर भी हूँ, गाने भी गाता हूँ. अब इसके लिए यू हैव टू सच में गाना पड़ेगा पूरा, एटलीस्ट 2 लाइंस, ओके? ये फ्लैटहेड्स, फ्लैटहेड्स का बोर्ड है. अच्छा, अरे पैसे दे दो जूते ले लो. के तो पूरा गाइए, 2 लाइन एटलीस्ट प्लीज. दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, पैसे दे दो जूते ले लो, पैसे दो जूते लो. अब तो सबने ले लिया, अब लोग बोल रहे जूते दो, पैसे यहाँ आए, वापस दे दो जूते सारे हमें. हमारे पास पैसे जूते लाग, जूते ही नहीं है आपके पास बेचने को. आएंगे आएंगे, बहुत जल्द आएंगे. इन द मीन टाइम एक बहुत इंटरेस्टिंग कोलैब भी आने वाला है जो हम कल लॉन्च करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड, देयर विल बी अ बिग सरप्राइज ऑन आवर वेबसाइट. ओके, तो गणेश, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक शार्क जो कि आपके शार्क टैंक पे हमने देखा है, और या फिर आपके पिच से रिलेटेड एक छोटा सा चंक उठा के प्लीज इसको इमिटेट करें फॉर आवर व्यूअर्स. यार एक एंटरप्रेन्योर की यही पहचान है कि वो गिर के फिर खड़ा होता है. यू आर डाउन बट नॉट आउट माई फ्रेंड. ओके.